सो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम राजगीर के जू सफारी में, और चलिए जू सफारी का आपको सफर कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है। और अभी जा रहे हैं अंदर, टिकट वगैरह लेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ का कितना का टिकट मिलता है और आगे का सफर आपको दिखाते हैं। पीछे से हमारे सब फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। आ जाइए जल्दी। यो यो, यहाँ देख सकते हैं ये राजगीर का मेन गेट है जू सफारी का। चलिए अभी अंदर घुमाएंगे। शेर है? शेर है अंदर। हाँ जी, तो पैदल नहीं घूमने दिया जाता इसमें, बस ही मिलेगा। कितना बस का चार्ज है? 250 रुपए एक व्यक्ति के। एक आदमी का 250 रुपया टिकट चार्ज है। पैदल घूमने नहीं दिया जाएगा, बस से आपको सफर कराया जाएगा। चलिए, अब बोल दिए हैं तो चलना ही पड़ेगा। ब्लॉग में बोल दिए हैं भाई साहब, देखते हैं सुनो आते हैं तो क्या बोलते हैं फिर। रिव्यू ले लेंगे ना अंदर से, आपको मजा आएगा तो जाएंगे। यहाँ तक तो जा ही सकते हैं ना जी, टिकट तो अंदर मिलेगा ना। क्या बोला जा रहा? चलिए 250 रुपया चार्ज है, देखते हैं। विथ व्हीकल चार्ज 250 रुपया। टिकट काउंटर इधर है, देख सकते हैं आप। टाइमिंग इधर पूछिए ना। हाँ जी, काफी तेज चालू है, धूप बहुत तेज है। और ऐसा हम लोगों ने से लग नहीं रहा है कि 250 रुपया देना चाहिए यहाँ, है ना? ताकि बहुत ज्यादा है, और मतलब पैदल घूमने भी नहीं दिया जा रहा। अब इसकी गारंटी भी नहीं कि आप शेर आपको मिल ही जाए, शेर चीता हाथी आपको मिल जाए, इसका गारंटी भी नहीं है। देख लीजिए ये ओवरऑल जो व्यू है यहाँ से, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। और रिकमेंड क्या करेंगे दर्शकों को यहाँ पर कि वो कब यहाँ पर घूमने आए, कौन सा मौसम में आए? आप देखिए, गर्मी तो काफी अभी बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा गर्मी। हालांकि मौसम ऊपर से जो बादल वगैरह का जो भी है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन गर्मी थोड़ा ज्यादा है। मार्च के एंड में आए, मार्च के स्टार्टिंग में आए, थकान नहीं होगा, काफी अच्छा मौसम रहेगा। घर से बोतल वगैरह पानी वगैरह लेके आते हैं तो भी सही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा महंगा आपको 5 रुपया मिलेगा। क्या हर एक चीज में, हर एक चीज 5 रुपया आपको, 5 रुपया 10 रुपया चार्जेस यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा ही लग रहा है। अगर कोई मिल जाता है तो उनसे थोड़ा रिव्यू ले लिया जाता कि भाई साहब अंदर आप अगर गए तो मतलब कैसा लगा आप लोग। उधर से कुछ लोग आ रहे थे, देखे क्या उधर इन लोग तो लग रहा है, इन लोग तो भी जाने वाले हैं भाई साहब लोग। लड़कियों से भैया पूछना बड़ा दिक्कत लगता है, पूछ लिए गर्म हो गया तो माहौल भी खराब हो जाएगा। थोड़ा बिहार है भैया, बड़ा सोचना पड़ता है यहाँ पर। आप लोग बस से घूम के आ रहे हैं? नहीं, बस में नहीं गया। ब्लॉग बना रहेगा जी? जी, कौन सा तो जाने, मतलब जाने में फायदा है 250 रुपया दे के कि बेकार है? अभी गए नहीं, पैसा देख के चुक ले लिया। तो चलिए देखते हैं, फिर भी ये लोग अंदर से घूम कर आए तो हम लोग भी अंदर से। अंदर जाने का इसमें पैसा लगेगा, टिकट लगेगा 250 वाला, 100 वाला? इधर क्या क्या है 100 वाला में, क्या क्या मिलेगा? म्यूजियम, 3D थिएटर, म्यूजियम, 3D थिएटर, और जो बस का चार्ज है वो अलग से है 250 रुपया। इधर 100 रुपया जो लगेगा, इधर म्यूजियम वगैरह है, 3D थिएटर रहेगा, थिएटर रहेगा। चलिए उन लोग से पहले बातचीत कर लेते हैं कौन सा टिकट कटाया जाए। कहाँ गए वैसे सर? म्यूजियम भी है, थिएटर भी है, था मुझे लगता है कि हम लोग अगर म्यूजियम वाला ले ले तो ही सही है ना। क्योंकि हम लोग 6 लोग हैं, 6 लोग हैं भाई साहब, 250 रुपया जाता है तो बहुत ज्यादा। और अभी आगे ग्लास ब्रिज भी जाना है, स्विमिंग पूल भी जाना है, उधर पूरा एडवेंचर वगैरह भी करना है। और इन लोग बाहर हैं तो देखिए अभी का राय मशवरा किए हैं, उसके बाद यहाँ खाली बोतल लेकर आएंगे तो यहाँ पर बिस्लेरी का पानी भी लगा हुआ है, पी सकते हैं भर करके, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं और दिखाते हैं। ठीक है,
कैफेटेरिया बोल सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इधर खाने पीने के सामान भी मिल रही है और महसूस अंदर काफी ठंडा महसूस लग रहा है, एकदम चिल फील, यहाँ पर चिल फील हो रहा है। और खाने पीने के सामान भी इधर देख सकते हैं आप मिल रहा है, इधर में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मिल रहा है, पीछे लेकर के आराम से खाइए पीजिए इंजॉय कीजिए। और चलिए इधर दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर उस साइड में जाएंगे और उधर भी देखेंगे क्या है। टिकट कौन सा टिकट है यहाँ पे? 100 का टिकट लगा, फिर 200 भी कटाना है, कैसे समझ में? एक नंबर काउंटर पर 100 वाला मैं क्या क्या घूमूं भाई साहब? 100 वाला मैं म्यूजियम और क्रिएटिव देख सकता। किधर जाना पड़ेगा भाई साहब? बता रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शांति कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जानकारी दिए। इधर से जाना है और देखना है, फर्स्ट टाइम आपको भी देखिए बता दे रहे हैं, इतना हम लोग मदद कर रहे हैं आपको, जानकारी भी दे दे रहे हैं, आप आइएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए, हमारे एक मित्र जो है थक गए हैं, अंदर से खिसिया रहे हैं। चलिए देखिए होता है, चलता है, काफी आनंद हुआ। चश्मा आप लगा लीजिए, चश्मा बगैर पोजीशन जो है ना एकदम अधूरा है। यहाँ पर एक फोटो तो निकला जाएगा, इधर बैठ के एक ग्लोब में बता दीजिए कि इधर आप देखिए इधर बैठ सकते हैं आप, ये देखिए क्या फीलिंग है। चलो चलिए चलिए आगे चलिए, सिर्फ ब्लॉग में ऐसा बताया जाए, फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा है, इधर बैठ के फोटोशूट करा सकते हैं आराम से। पहले म्यूजियम वगैरह टिकट कटा लेते हैं, टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, टिकट लेकर के फिर आपको अंदर जाइए, म्यूजियम में जाइए, जाइए टिकट लेके आइए आप। टिकट तो है ये, बस वाला लेंगे ना पहले, ये घूम लेते हैं ना इसको, पहले ये घूम लेते हैं म्यूजियम, इधर से टिकट म्यूजियम जो है हो सकता है कि 200 का टिकट लेके जाना होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं भैया, 100 रुपये हमने दिया है तो इनसे पूछ के आइए ना, एक बार सामने से पूछ के आइए, ठीक है ना? चले गए जाफर की तरह, इन लोगों को पूछने में भी दिक्कत लगता है। पूछने में क्या दिक्कत, पूछने में क्या दिक्कत है, पूछिए आप वहाँ से। टिकट लिए आपसे पहले तो म्यूजियम है ना, ये क्या है? तो ये टिकट है, ये देंगे तो वो फ्री में देंगे टिकट, 150 रुपया लगेगा, 150 रुपया फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सफारी और म्यूजियम ये टिकट भी आप म्यूजियम 3D थिएटर देख सकते हैं। म्यूजियम 3D थिएटर मिलेगा, पहले बात सुनिए, ये टिकट अगर जो अभी ये कराए सो जाता है तो फिर आपको जू सफारी का टिकट नहीं मिल पाएगा। अच्छा अच्छा, अभी आप जू सफारी का टिकट ढूंढना चाहते हैं, जू सफारी का 150 रुपया। देखिए ये जो टिकट 100 रुपया वाला आप लिए हैं, इसको लेने के बाद जब अंदर आप आइएगा तो अगर आप जू सफारी घूमना चाहते हैं बस से, तो आप पहले 150 का टिकट ले लीजिए, अन्यथा एक नंबर पे काउंटर पे, ठीक है? अगर नहीं टिकट लेते हैं तो इस टिकट से आप म्यूजियम और क्या बताया उन्होंने, म्यूजियम और 3D थिएटर देख सकते हैं, लेकिन फिर देखने के बाद आपको फिर वो 150 वाला टिकट नहीं मिलेगा। तो अगर बस से जाना है तो पहले 150 वाला टिकट ले लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप आगे का कार्य करेंगे। अभी टिकट ले रहे हैं, आगे देखिए लंबा लाइन लगा हुआ है, जू सफारी के अंदर आपको सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छा जगह, सेल्फी लेने के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर हमने भी अभी फोटो टेक करा है, 10-12 हमने फोटो निकाल दिए, क्या साजी जी? काफी अच्छा अच्छा फोटो, 10-12 फोटो हमने निकाल दिए यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू आएगा, काफी अच्छा व्यू आएगा, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और यहाँ पर बाघ है, यहाँ पर देख सकते हैं चीता टाइगर, इसको क्या बोलेंगे, तेंदुआ है ये, और उधर देख सकते हैं ये क्या है साजी जी, जंगली भालू लग रहा है मुझे, बियर है, ये जंगली भालू है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट अच्छा है, यहाँ पर आकर के आप फोटो वगैरह खींच सकते हैं, और इधर से बाहर का ये देख सकते हैं व्यू आप, ये एग्जिट का है ना, और ये इधर से एग्जिट का हो गया। अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है, बस का वेट कर रहे हैं, तब तक खाली टाइम में फोटो निकाल रहे हैं, और फोटो निकाल लेने के बाद
आपके लिए थोड़ा ब्लॉग बना दे रहे हैं छोटा आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं इतना तो आपका भी फर्ज बनता है ना सर जी, कि कम से कम आप भी लाइक करिए, ठोक दीजिए एकदम सब्सक्राइब का बटन जो है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू बनाया गया है, काफी अच्छा, ये भी सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर भी आप आकर के फोटो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा फोटो यहाँ पर आया। चलिए उधर भी एक दो पॉइंट है, उसको भी विजिट कर लिया जाए क्या, उधर कुछ नहीं है, फूल पत्ती है। चलिए कंटिन्यू ब्लॉग को करते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ।